मनराज प्रतिष्ठान की ओर से 50वां स्वर्ण महोत्सव मुफ्त चिकित्सा शिविर 8 अप्रैल को झूलेलाल मंदिर कुर्ला वेस्ट में रखा गया था। मनराज प्रतिष्ठान की ओर से वैद्यकीय सलाह और मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। महोत्सव पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मनोज भाई नाथानी ने आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे ऐसी इच्छा जताई। ये हमने जो मनराज प्रतिष्ठान की ओर से हमने जो मेडिकल कैंप का चालू किया था, गए बारिश से हम लोग ने ये टीम ने डिसाइड किया था कि जैसे बारिश में मलेरिया और अलग अलग तरीके की बीमारियां फैल रही है, हमने उस समय ये डिसाइड किया था कि झोपड़पट्टी में जाके अलग अलग एरियाओं में जाके हम हमारे कैंप्स लगाएं। तो जैसे जैसे हम कैंप्स करते गए तो हमें अच्छी अच्छी हॉस्पिटलों का साथ मिलते गए। आगाशी हॉस्पिटल है, पल्स डायग्नोस सेंटर है, सुश्रुत हॉस्पिटल है, ऐसे कई संस्थाओं ने हमको साथ दिया है। डॉक्टर्स कई प्रमाण में हमको डिस्काउंट्स दे रहे हैं और एक इंस्पिरेशन मिल रहा है। ये एक हमारी अकेले की ताकत नहीं है, ये हम सब जो इंस्टीट्यूट जुड़ी हुई है उनके साथ से हम कर रहे हैं। और ये हमारा जो 50वां है, हम कोशिश करेंगे कि ये ऐसे ही जारी कंटिन्यू रहता रहे। हम हर हफ्ते एक कैंप लेना चाहते हैं। तो आगे क्या कैंसर की प्रतिक्रिया रहेगी क्या? नहीं, हम कैंसर इंडियन सोसाइटी कैंसर की तरफ से हमने आज एक अवेयरनेस कैंप रखा हुआ है ऊपर, और उसके बाद हम एक 12 तारीख को एक कैंसर का चेकअप उनके सोसाइटी की तरफ से करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के कैंसर के रहे, या जनरल चेकअप्स रहे, या तो फिर बच्चों की आँखों के रहे, या ऐसे अलग अलग कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आगे मनराज प्रतिष्ठान के लिए क्या आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा मेडिकल कैंप के लिए? हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। आज मुंबई में महानगर पालिका भी काम कर रही है, सरकार के द्वारा सरकारी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, मगर जिस तरह से गरीबों को सुविधा मिलनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम डॉक्टर रोहन बारटके है। मैं भारत का बहुत कम डॉक्टर में से ऐसा हूँ जो फुल टाइम टबैको डी एडिक्शन में काम करता हूँ, लोगों को तंबाकू छुड़ाने के लिए मदद करता हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो भारत में तंबाकू की वजह से होने वाले जो कैंसर है वो इस कदर बढ़ रहे हैं कि डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं। अगर आप टाटा हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत पूरे इंडिया से वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, और मुंह के कैंसर का मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। अगर तंबाकू का सेवन हम कर लोगों को छुड़ा देंगे तो कैंसर का प्रमाण कम हो जाएगा। डॉक्टर अनुकृति हमारे साथ है, वो आपको बताएंगे कि दांत का जो इम्पोर्टेंस, जो डेंटल चेकअप का इम्पोर्टेंस कैसे करने होता है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर अनुकृति और मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मतलब कि मैं दांत के डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर रोहन के साथ काम करती हूँ और हम लोग देखते हैं कि हम सबके दांतों का चेकअप करते हैं, और दांत का चेकअप काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो फिर हम जब किसी का चेकअप करते हैं, हमें पता चलता है कि वो पान तंबाकू या कुछ भी खाते हो, उनको हम समझाते हैं कि ये सब आपके दांतों के लिए, और सिर्फ दांत के लिए नहीं पूरे शरीर के लिए कैसे हानिकारक होता है। तो सब कुछ हम एक मुँह का चेकअप करने से हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है, इसलिए दांत और मुंह का चेकअप कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। एडल्ट हैं, उनके जो फ्रैक्चर्स हैं, बाकी जो भी बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन उनको ज़्यादा मुआयना करके उनको ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारे सुश्रुत हॉस्पिटल में उनका जो भी जरूरी सर्जरी होता है वहाँ पे करते हैं। और हमें ऐसा आनंद हुआ भी आगे कि हम ऐसा सोसाइटी के लिए काम आ सके कि वह हम अपना स्किल दिखा सके कि और हम आगे कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए। मैंने तो काफ़ी बॉम्बे में काफ़ी बार कैंप किए हुए हैं, पर मैं गुजरात में जाता था, आई शुड गो टू अर्थक्वेक ऑल्सो, वहाँ भी मैंने करीबन 10 दिन काम किया था ड्यूरिंग गुजरात अर्थक्वेक के लिए। और बचाव में एक कैंप लगता है हर साल जनवरी के आसपास, मैं वहाँ पे भी जाके उनको मदद करता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मी डॉक्टर मंदार आगाशे, मी छोट्या मुलांचा हाडाचा तज्ज्ञ आहे। मनोज सरांनी आमचं खूप चांगलं असोसिएशन आहे, ते खूप इथे आल्यावरती आम्हाला खूप बरं वाटतं की ॲटलिस्ट जे गोरगरीब आहेत त्यांना आपण ही सेवा देतो, आणि खरंच जे आपल्या हॉस्पिटलपर्यंत पोचू शकत नाही त्यांना हे मनराज प्रतिष्ठाननी एवढं छान सेवा केलेली आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही म्हणून सहभागी व्हायला आम्हाला खूप आनंद वाटतो।